नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो तांबे एवं पीतल के बर्तन होते हैं उसमें खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि जो तांबे के या पीतल के बर्तन होते हैं उनमें दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। जैसे कि प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। जो पीतल एवं तांबे के बर्तन होते हैं उनमें दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। इसका उत्तर है, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। जो दही एवं खट्टे पदार्थ हैं उनमें अम्ल होता है। दही एवं खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें क्या अम्ल होता है। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो अभिक्रिया करके हानिकारक विषैली यौगिक बनाते हैं, क्या कहते हैं, जो अभिक्रिया करके हानिकारक विषैली यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण एक खाने लायक नहीं रह जाते हैं। जिसके कारण दही या जो खट्टे पदार्थ होते हैं वे कैसे हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रह जाते, अर्थात कैसे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तथा अम्ल की अभिक्रिया के कारण बर्तन भी संक्षारित हो जाते हैं। तथा अम्ल की अभिक्रिया के कारण जो बर्तन पीतल या तांबे के बर्तन होते हैं वे भी कैसे हो जाते हैं, संक्षारित यानी कि खराब होने लगते हैं। इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। इसलिए तांबे और पीतल के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक तो जो पदार्थ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और जो बर्तन होता है पीतल या तांबे का वो भी कैसा होने लगता है, ख़राब होने लगता है, अर्थात संक्षारित होने लगता है। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।